हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज हो चुका है, जो इस वक्त आप एक इमेज देख रहे हो मेरे इस डिस्प्ले पे कि मार्क्सशीट डिस्ट्रीब्यूशन समर एग्जामिनेशन 2020-21। यस दोस्तों, आपको पहले तो मैं नोटिस दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस है। दोस्तों, नोटिस के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि किनका मार्क्सशीट डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात तो टीवाई बीकॉम का मार्क्सशीट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो टीवाई के बीकॉम के स्टूडेंट सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। कौन से रूम में कलेक्ट करना है, क्या टाइमिंग है, अगर आप नहीं आपके पेरेंट्स कलेक्ट करना चाहते तो क्या है, सब प्रोसीजर बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि इसी तरीके से आपको हर अपडेट इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए कि टीवाई बीकॉम का आप पहले नोटिस देख लीजिए। नोटिस फॉर मार्क्सशीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवाई बीकॉम इंडिविजुअल पासिंग समर सेशन 2020-21 एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड देन क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवाई बीकॉम मार्क्सशीट, ठीक है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है मार्क्सशीट टीवाई बीकॉम का, और उसका कलेक्शन का जो टाइमिंग है बिटवीन क्या है, 11 to 4, मतलब 11 से लेके सुबह 11 से लेके दोपहर के 4 बजे तक आप जाके अपना मार्क्सशीट कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें लंच टाइम है 1 से लेके 1:30 बजे तक का, मतलब आप इस दौरान कोई भी मार्क्सशीट कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको मार्क्सशीट कलेक्ट करना है तो आपको वर्किंग डे में जाना होगा, मतलब संडे के दिन आप जाके कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। आप अगर मार्क्सशीट कलेक्ट करने जा रहे हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आईडी है, हॉल टिकट है, ये आपको लेके जाना है, तभी आप अपना मार्क्सशीट कलेक्ट कर पाओगे। अब बात आती है दोस्तों कि आपको कौन से रूम नंबर में मार्क्सशीट कलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आपको रूम नंबर 100 फर्स्ट फ्लोर पे है, वहां जाके आपको आपका मार्क्सशीट कलेक्ट करना है कलीना यूनिवर्सिटी से, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी से। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपके पेरेंट्स जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी और आपका मार्क्सशीट कलेक्ट करते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी उन्हें इशू नहीं करेगा। वो इशू तब ही करेगा आपके पेरेंट्स को जब आपने अपने पेरेंट्स को आपके तरफ से अथॉरिटी लेटर दिया हो, मतलब आपने एक लेटर लिख के दिया हो कि मैं इस समय मुंबई में नहीं हूँ, या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं बीमार हूँ, जो भी कंडीशन हो कि मेरे बिहाफ पे मेरा ये मार्क्सशीट मेरे पेरेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और जिसकी परमिशन मैं दे रहा हूँ, और ऐसा करके एक लेटर पे सिग्नेचर करके आप जब पेरेंट्स को देंगे, वो पेरेंट्स दिखाएंगे और आपकी आईडी प्रूफ हर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तब आपके पेरेंट्स को मार्क्सशीट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो नोटिस है ये 1 सितंबर का है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।